हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्स केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक रिलेटेड टू क्वांटम केमिस्ट्री। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो एनर्जी लेवल होती हैं, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन की हमसे रूट स्केलर रूट पुट्स लेता अकॉर्डिंग टू HMO हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर हमसे एनर्जी लेवल पूछ लेता है साइक्लोब्यूटाडाइन के या फिर इथीन सिस्टम के, तो हम वो सब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है HMO वाला जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो हम आज उसी की शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हम एनर्जी लेवल सीखेंगे दोनों सिस्टम के लिए, साइक्लिक सिस्टम के लिए भी और वो सिस्टम भी जो साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक सिस्टम जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन और एसाइक्लिक सिस्टम जैसे इथीन। तो जो हमारे पहले हम एसाइक्लिक सिस्टम का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस टू बीटा कॉस जे पाई बाय एन प्लस वन। जे की वैल्यू हमारी वन और टू होती है, वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है, और एन हमारा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे इथीन में दो कार्बन एटम होते हैं तो यहाँ पे हम एन की वैल्यू लिखेंगे टू। अब साइक्लिक सिस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो अल्फा प्लस टू बीटा तो दोनों में है, यहाँ पे आ जाता है कॉस टू जे पाई बाय एन। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है कि एन प्लस वन की जगह सिर्फ एन है और जे पाई की जगह है टू जे पाई। और यहाँ पे जो साइक्लिक सिस्टम के लिए हमारी जो वैल्यूज होती हैं जे की, वो होती है जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो साइक्लिक सिस्टम होता है ना, उसमें डी जनरेट वैल्यूज मिलती हैं हमें, जैसे प्लस वन और माइनस वन के करस्पॉन्डिंग हमें सेम एनर्जी लेवल मिलेगा। सिमिलरली प्लस टू और माइनस टू के करस्पॉन्डिंग हमें सेम एनर्जी वैल्यू मिलेगी। तो अब एक एग्जाम्पल के साथ ना डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकालेंगे हम रूट्स, ठीक है। पहले हम एसाइक्लिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, जैसे कि इथीन। हम फॉर्मूला हम करके ही आए हैं अभी पीछे वाली स्लाइड में, अल्फा प्लस टू बीटा कॉस जे पाई बाय एन प्लस वन। अब देखो जितने कार्बन एटम होते हैं ना, उतनी ही हमारी एनर्जी लेवल्स होती हैं। अब यहाँ पे दो कार्बन एटम है इथीन के केस में, तो हमारी दो एनर्जी लेवल्स निकलेंगी। तो पहले मैं E1 निकाल लेती हूँ। E1 कैसे निकालूंगी, जे की वैल्यू जो है वो मैं 1 पुट करूंगी इस फॉर्मूला में। मैंने पुट कर दी अल्फा प्लस टू बीटा कॉस पाई 2 प्लस 1। 2 कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो इथीन में दो कार्बन है तो n की वैल्यू क्या हो गई 2, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 1। और ये सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, अल्फा प्लस टू बीटा कॉस पाई बाय 3। अब पाई जो होता है हमारा वो होता है 180 डिग्री, तो मैंने लिख दिया अल्फा प्लस टू बीटा कॉस 180 डिग्री बाय 3। अब ये देखो 3 से मैं ये कैंसिल आउट कर सकती हूँ टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। ये मेरी इक्वेशन बन गई अल्फा प्लस टू बीटा कॉस 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। मैंने यहाँ पे पुट कर दी वो वैल्यू, तो 1/2 जब मैंने पुट किया तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और मेरी जो फर्स्ट रूट निकल के आई वो है अल्फा प्लस बीटा रूट, या फिर एनर्जी लेवल जो मेरी निकल के आई वो है अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अब मैं सेकेंड एनर्जी लेवल निकालूंगी, क्योंकि दो कार्बन एटम है इथीन में तो दो एनर्जी लेवल निकलेंगी। तो E2 निकालती हूँ मैं। E2 के लिए क्या करूँगी, J की वैल्यू 2 पुट करूँगी अबव फॉर्मूला में। हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस टू बीटा कॉस जे पाई बाय एन प्लस वन। जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, और एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हम सेकेंड एनर्जी लेवल निकाल रहे हैं तो जे की वैल्यू मैं रखूँगी 2। तो मैंने जे की वैल्यू जब 2 रखी और एन की वैल्यू 2 रखी, तो फॉर्मूला बना अल्फा प्लस टू बीटा कोस 2 × 180 डिग्री बाय 3। अब 3 से 180 डिग्री कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब अल्फा प्लस टू बीटा कोस 120 डिग्री बन गया। जो कोस 120 डिग्री होता है हमारा वो होता है माइनस के 1/2। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कोस 120 डिग्री की माइनस के 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या आई, अल्फा माइनस बीटा। तो मेरी दो रूट निकल के आई, एक थी अल्फा प्लस बीटा और एक है अल्फा माइनस बीटा। दो कार्बन थे तो दो ही रूट्स निकलनी थी, तो आ गई एक क्या निकली थी अल्फा प्लस बीटा, दूसरी क्या निकली है अल्फा माइनस बीटा। अब देखो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे अब मान लो आपसे पूछा ब्यूटाडाइन का, तो उसमें चार कार्बन एटम होंगे, और ऐसे ही जे की वैल्यू पहले 1 रखना फिर 2 लिखना, उसमें चार कार्बन एटम है तो आप चार एनर्जी लेवल निकालोगे E1, E2, E3, E4, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा, आप किसी का भी एग्जांपल लेके कर लेना। जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करना और जितने कार्बन है उतनी पुट कर देना, और एन की वैल्यू तो आपको पता चली जाएगी, जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे वही एन की वैल्यू होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है साइक्लिक सिस्टम। अब उसके डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो साइक्लिक सिस्टम हमारा क्या हो सकता है, साइक्लोब्यूटाडाइन डिस्कस कर लेते हैं हम। साइक्लिक सिस्टम के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस टू बीटा कॉस टू जे पाई बाय एन।
जे की वैल्यू क्या आएंगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब ये देखो, ये हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन, चार कार्बन है इसमें, ठीक है, तो एन की वैल्यू तो क्या हो गई, 4, और जे की वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे साइक्लिक सिस्टम के केस में, 0 से। तो इवन जब मैं निकालूंगी तो इस फॉर्मूले में जे पुट करूंगी 0, एन पुट करूंगी 4, तो ये मैंने पुट कर दिया कोस 2 इंटू 0 इंटू पाई बाय 4। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो E1 की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि यहाँ पे तो कोस 0 डिग्री की 1 लिखूंगी, तो 2 बीटा को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 बीटा ही आएगा, तो E1 क्या आ गई, अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमारी फर्स्ट एनर्जी लेवल जो निकली है वो है अल्फा प्लस 2 बीटा। अब मेरे को सेकंड अगर एनर्जी लेवल निकालनी है तो जे की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी, 1। ये हमारा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 जे पाई बाय एन, एन हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम है जो है 4, और जे की वैल्यू मैं अब क्या पुट कर रही हूँ, 1। तो मैंने जे की वैल्यू यहाँ पे पुट की 1, तो क्या इक्वेशन बनी, अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 इंटू 1 इंटू 90 डिग्री बाय 4। अब ये देखो, यहाँ पे 2 से ये मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ पे ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हुआ ये 4, और फिर एक 2 यहाँ बचेगा, तो उससे मैंने कट करके यहाँ पे क्या लिख दिया, 90। कोस 90 डिग्री हमारा होता है 0, तो ये आ गई, ये पूरी टर्म बन गई 0। अब 2 बीटा को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आएगा, तो E2 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा। अब मैंने आपको बोला था कि जे की जो प्लस 1 वैल्यू है और माइनस 1 वैल्यू है उसका सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें डी जनरेट लेवल्स मिलती हैं साइक्लिक सिस्टम के केस में। तो देख लेते हैं फिर भी कि जे इक्वल टू माइनस 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा, आना चाहिए हमारा अल्फा ही, क्योंकि अगर जे इक्वल टू 1 की वैल्यू अल्फा है तो जे इज इक्वल टू माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी वो भी अल्फा आनी चाहिए। तो देख लेते हैं, फिर से हमने फॉर्मूला लगाया, अल्फा प्लस 2 बीटा कोस 2 जे पाई बाय एन। अब जे की वैल्यू क्या रखूंगी, माइनस 1, और एन हमें पता है 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 1 और एन हमारा 4 है। पाई क्या होता है, 180 डिग्री, तो मैंने पाई को लिखा 180 डिग्री, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 4 था, तो इन सबको मैं जब कट करूंगी तो यहाँ पे बच गया 90 डिग्री। अब कोस माइनस 90 डिग्री है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, जो कोस माइनस एक्स होता है ना उसकी वैल्यू कोस एक्स के इक्वल होती है, तो कोस माइनस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, कोस 90 डिग्री के इक्वल, तो वो होती है 0। तो जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी 0, तो ये आएगा 2 बीटा इंटू 0, 2 बीटा इंटू 0 मतलब ये पूरी टर्म 0 हो गई, और E3 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा। तो हमारा E2 भी अल्फा है और E3 भी अल्फा है, और हमारा ऐसा ही आना चाहिए था, जे की वैल्यू अगर प्लस 1 या माइनस 1 रखूँ तो सेम वैल्यू आनी चाहिए, और ऐसा आ भी रहा है, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटाडाइन में चार कार्बन थे तो चार एनर्जी लेवल निकलेंगी, और अभी हमारी कितनी निकली है, 3, तो चौथी भी निकालते हैं हम अपनी। जब मैं फोर्थ एनर्जी लेवल निकालूंगी तो जे की वैल्यू पुट करूंगी 2, तो ये हमारा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉस 2 जे पाई बाय एन। इसमें मेरे को जे की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो मैंने जे की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पे, 2, एक 2 पहले से ही था फॉर्मूले के रिगार्डिंग, एक 2 यहाँ आ गया और पाई को लिख दिया 180 डिग्री और ये 4। अब ये 2 से ये वाले 4 दोनों कैंसिल हो गए, 2 इंटू 2 से नीचे वाला 4 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे बचा कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी माइनस 1, तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 1। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा। तो देखो, ये बन गई हमारी एनर्जी लेवल्स, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा, अल्फा माइनस 2 बीटा। चार एनर्जी लेवल बननी थी और चार ही हैं, जिसमें से एक जो है वो डी जनरेट है, तो 1, 2, 3, 4, जिसमें से जो हमारी दो हैं उनकी वैल्यू है अल्फा, क्योंकि वो डी जनरेट है, ठीक है। अगर वैसे अगर आप E5 भी निकालोगे तो अल्फा माइनस 2 बीटा ही आएगी, क्योंकि जे की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगी, माइनस 2, तो जे की वैल्यू 2 और अगर जे की वैल्यू माइनस 2 पुट करूं तो सेम ही वैल्यू आएगी, ठीक है। बट हमें तो निकालना ही नहीं E5, क्योंकि चार हमारे पास कार्बन एटम थे तो चार एनर्जी लेवल ही निकलेंगी। तो मेरी आ गई अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा, अल्फा, अल्फा माइनस 2 बीटा। तो आप किसी भी साइक्लिक सिस्टम का, आप बेंजीन का भी निकाल सकते हैं ऐसे ही, कुछ नहीं करना, बस एन की वैल्यू चेंज होगी और जे की वैल्यू सेम 0, 1, 2, 3, 4 आपको पुट करनी है। जे की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बस ये याद रखना है, इसमें डी जनरेट वैल्यूज आती हैं, जे की जो प्लस 1 की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, जो जे जब मैं माइनस 1 डालूंगी एनर्जी लेवल तो सेम होएगी, ठीक है। तो यही थी शॉर्ट ट्रिक, इससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल्स निकाल सकते हैं, और जो हम HMO से वो जो रूट्स निकालते हैं
वो भी निकल सकती हैं, उससे सेम ही होती हैं वो एनर्जी लेवल्स को ही हम रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी सिस्टम की निकाल सकते हैं, आप ट्राई करना कोई भी सिस्टम। अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो हम बाकी जो टाइप्स हैं, मतलब जैसे हम बेंजीन के भी निकालना सीख सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ हमें ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। बस ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए एक तो आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए, दूसरा आपको कोस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो सारी लर्न होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो वो तो कर ही सकते हो आप। देखो अगर आपको सिर्फ कोस की वैल्यू पता चल जाए तो आपको पूरा वो HMO वाला नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, रूट्स निकल जाएंगी, एनर्जी लेवल्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी